of class. Today we're going to solve our exercise of chapter 3, Living on Earth. And question number 4, answer these questions. So our first question is, why do animals use their sense organs? What? जानवर अपने सेंस ऑर्गन्स का क्यों इस्तेमाल करते हैं? Animals use their sense organs to search for food and to sense danger. जानवर अपने सेंस ऑर्गन्स का सेंसेस का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो खाने की तलाश कर सकें और खतरे को महसूस कर सकें. What will happen to an animal if it does not eat a drink? अगर कोई जानवर खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, तो उसके साथ क्या हो सकता है? If an animal does not eat or drink, it will die. जानवर, इंसान, कोई भी लिविंग थिंग अगर खाएगा पिएगा नहीं तो वो मर सकता है. What organ helps a fish to breathe? मछली को सांस लेने में उसका कौन सा ऑर्गन मदद करता है? गिल्स. मछली के ऊपर मौजूद होते हैं गिल्स, इनेबल अ फिश टू ब्रीथ, उसको सांस लेने में मदद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 इज, विच फ्लावर डज शो अस दैट प्लांट्स मूव? कौन सा पौधा ये दिखाता है, ये जाहिर करता है कि पौधे हरकत करते हैं? हाउ डू दे मूव, और वो किस तरह हरकत करते हैं? किस पौधे से, फ्लावर फूल से ये पता चलता है कि पौधे हरकत करते हैं. सो सनफ्लावर शो अस दैट प्लांट्स मूव बाई टर्निंग टू द सन, द पेटल ऑफ द मॉर्निंग ग्लोरी प्लांट ओपन एवरी मॉर्निंग. तो पौधा सनफ्लावर वो हरकत करता है, सनफ्लावर इस तरह हरकत करता है कि जिस तरफ सूरज होता है उस तरफ वो उसके फूल का फेस हो जाता है, मुंह हो जाता है, उस तरफ वो अपना मुंह कर देता है. और यहाँ पौधों की, फूलों की जो पत्तियाँ हैं उनके खुलने से, उनके खिलने से भी ये चीज़ पता चलती है कि पौधे हरकत करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंड टू द डायनासोर्स एंड द डूडू? दे बिकेम एक्सटिंक्ट, मतलब ख़त्म हो जाना, बिल्कुल ख़त्म हो जाना. डूडू का तो ये है कि उसका बहुत ज़्यादा शिकार किया गया था जिसकी वजह से वो दुनिया से ही ख़त्म हो गया. एक्सटिंक्ट मतलब नापैद हो जाना, ख़त्म हो जाना. डायनासोर्स तो काफ़ी अर्सा पहले, काफ़ी साल पहले ख़त्म हो चुकी हैं, जबकि डूडू का ये है कि वो अभी ख़त्म हुए हैं, अभी कुछ अर्सा पहले. बहुत ज़्यादा शिकार की वजह से ये परिंदा जानवर ख़त्म हो चुका है. व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम क्या है? एन इकोसिस्टम इज़ द लिविंग थिंग्स, इन अ पार्टिकुलर प्लेस इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड विद द नॉन लिविंग components, weather, sun, soil, climate, atmosphere. Ecosystem ये है कि जानदार चीज़ों का एक ऐसी महसूस खास जगह पर होना जहाँ पर उनका इंट्रैक्शन हो सके नॉन लिविंग थिंग्स के साथ. जब लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का एक जगह पर अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्शन इस सेंस में कि बायोटिक और नॉन एबायोटिक जो चीज़ें हैं, ठीक है, उनका एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन, एक दूसरे के साथ मेल. तो वो इस तरीके से है कि लिविंग थिंग्स डिपेंड करते हैं नॉन लिविंग पे और नॉन लिविंग डिपेंड करते हैं लिविंग थिंग्स पे. तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट होता है. इस एक्सरसाइज के टोटल क्वेश्चन 6 हैं. हमारा चैप्टर यहाँ पर क्लोज होता है. इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में मिलेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स.